वैसे तो पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया गया, लेकिन इस बार ना आजादी का जश्न इसीलिए खास था क्योंकि जम्मू कश्मीर की गलियों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जहां आतंकवादियों के खौफ से 15 अगस्त के दिन कोई नहीं आता था, उस लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। इतना ही नहीं, बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता समारोह को देखने के लिए कश्मीरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बताते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर है, बदला हुआ कश्मीर है ये। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने तब कहा था कि अगर कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करना है और बाकी राज्यों की तरह वहां विकास की बयार बहानी है तो आर्टिकल 370 को खत्म करना ही होगा। आपको याद होगा तब पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसके विरोध में कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर के लोग किसी दूसरे देश का झंडा उठा लेंगे। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने कहा था कि इससे कश्मीर में बवाल हो जाएगा, मगर सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई और आर्टिकल 370 को हटा दिया। समय गुजरा, तारीखें गुजरी और 5 साल बाद जम्मू कश्मीर एकदम बदला बदला है। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे देश ने मनाया, मगर कश्मीर के लिए इस बार यह उत्सव बेहद खास था। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2003 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टेडियम में परेड देखने 20,000 लोग पहुंचे। बख्शी स्टेडियम भारत माता की जय जयकार से गूंजा। जो लोग पूछते थे ना कि आर्टिकल 370 खत्म होने से क्या होगा, उन्हें जरूर जान लेना चाहिए कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस में पूरे कश्मीर में कहीं भी किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। ना मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद की गई और ना ही कांटीले तारों की घेराबंदी की गई। कश्मीर में हालात कैसे बदल गए उसकी मिसाल इस तरह से समझ लीजिए कि श्रीनगर के लाल चौक पर मां भारती की शान में स्वाभिमान से तिरंगा लहराया। एक दौर था जब लाल चौक के क्लॉक टावर पर तिरंगा लहराना खतरे से खाली नहीं था। आतंकियों के खौफ से इस चौक पर ना तो कोई तिरंगा लेकर निकलता था और ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि तिरंगा लहरा दे। लेकिन 370 के हटने के बाद जो बदलाव आए हैं उनका एक किस्सा और सुनाते हैं आपको। घाटी में एक आतंकी था, नाम था सैफुल्ला। एक दौर था जब सैफुल्ला घाटी में खून खराबा करता था, पत्थरबाजी करता था, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद उसने कश्मीर का सच जाना और अब वो तिरंगे की छांव में जिंदगी की ठांव ढूंढ रहा है। सैफुल्ला अब ना तो आतंकी है और ना ही पत्थरबाज, वो एक देश प्रेमी शहरी है जिसने शान से तिरंगा लहराया। नाम सैफुल्ला फारूक है और मैं एक फॉर्मर टेररिस्ट रहा हूँ। मैं उन मिलिटेंट से भी ये कहना चाहता हूँ जो बंदूक उठाकर जंगलों के अंदर भटक रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ आप लोग कौमी दायरे के अंदर आइए। अगर आपने बंदूक उठाई है, मारने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखिए, आप जन्नत में जाएंगे किसी की जान बचाकर, किसी को मारकर आप जन्नत में नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि कश्मीर अमन के रास्ते पर लौट आया है। यहाँ के खूबसूरत चिनार और उल्लास में बहती चिनाब बताते हैं कि हाँ, हम हैं कश्मीर, खूबसूरत भी और खुश मिजाज भी। अच्छा, आपको ना एक और किस्सा सुनाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी है, नाम है जावेद मट्टू। इस बार के स्वतंत्रता समारोह में जावेद मट्टू के परिवार ने भी हिस्सा लिया। जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू ने अपने घर पर शान से तिरंगा लहराया। हिजबुल मुजाहिदीन के ही दूसरे आतंकवादी मुदस्सिर हुसैन के परिवार ने भी अपने घर पर तिरंगा फहराया। हुसैन के पिता तारिक ने तो यहां तक कह दिया, हमने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और चाहते हैं कि हर घर में ध्वज फहराया जाए। ये कहानियां बताती हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, अब वो कश्मीर में आतंक का खेल नहीं खेल सकेगा, क्योंकि कश्मीरियों के दिल में भी हिंदुस्तान के प्रति प्रेम छलकने लगा है। वो भी अपने देश की शान में तिरंगा लहराते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि कश्मीर के मुख्य धारा में लौटने से किसको नुकसान होगा? अरे और किसे, वही जो अलगाववाद का नारा लगाते थे, जो पाकिस्तान से प्रेम जताते थे और जो विरोध करते थे कि कश्मीर से आर्टिकल 370 ना हटाया जाए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।